कुछ न्यूज वाले ये पब्लिश कर रहे हैं कि आप फोन पे गूगल पे जैसे जो यूपीआई सिस्टम है ना इस पे आपको पेमेंट करने पे अब ट्रांजेक्शन फी देना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे फोन पे पेटीएम ये आकर के ट्विटर पे ये कह रहे हैं कि नहीं 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 आम आदमी को कोई पैसा नहीं देना है, कोई फी नहीं लग रहा है। तो भाई साहब ये दोनों के बीच जो है कन्फ्यूजन कहाँ पे, आखिर असलियत क्या है, फी देना है या नहीं देना है? फोन पे पेटीएम कर रहे कि फी नहीं देना है, एनपीसीआई आकर के क्लियर कर रहे कि फी नहीं देना है, लेकिन न्यूज वाले पब्लिश कर रहे फी देना है, फिर यही एनपीसीआई आकर के जो प्रेस रिलीज कर रही है उसमें जो है आपको ट्रांजेक्शन 1.1% का रहता है फी देना है। कहाँ पे 1.1% लगेगा, किसको लगेगा? अगर आम कस्टमर को नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? क्या घूम फिर करके आपके ऊपर आने वाला है? क्या है कंफ्यूजन, सारी बात समझेंगे एकदम लॉजिकल और सिंपल तरीके से इस वीडियो में। अब समझते हैं इस वीडियो में कि किसको 1.1% वाला जो ट्रांजैक्शन फी की बात चल रही है देना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझिए, ये जो आपको पेटीएम फोन पे आके जो क्लियर किया है एनपीसीआई आकर के कि जो नॉर्मल कस्टमर है मतलब हम और आप जो जाते हैं दुकान पे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं और वहां पे जो पेमेंट फी जो लगने वाला था एमडीआर की बात चल रही थी वो आपको सच में फ्री है, एमडीआर जीरो है, मतलब आम कस्टमर को कहीं पे भी कोई फी नहीं देना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। ये जो कुछ जो है दो न्यूज एजेंसी की तरफ से जो पब्लिश किया गया था ऑफिशियल गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि ये मिसलीडिंग है, लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए फोन पे आकर के बोला कि नहीं आम पब्लिक को कोई पैसा देना है, यूपीआई अभी भी फ्री है, फॉरएवर फ्री रहेगा। इसके बाद पेटीएम आके क्लियर करता है कि फ्री है, एनपीसीआई का आपको कहना पड़ा, मतलब कि सबको आके ये कहना पड़ा, फिर लोगों के मन में कंफ्यूजन आ गया, ये 1.1% वाला जो ट्रांजेक्शन फी की बात हुई जो रिलीज किया गया इसका मीनिंग क्या है, किसको देना है? तो बात यह है दोस्तों, ये उसको देना है जो वॉलेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वॉलेट सिस्टम ये क्या हो गया भाई साहब, देखिए अभी क्या था, अभी के कॉन्सेप्ट के अनुसार अभी जब भी आप ट्रांजेक्शन करते थे तो जैसे कि फोन पे सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, फोन पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जब आप किसी को जाकर के पेमेंट करते थे क्यूआर कोड स्कैन करते थे तो फोन पे जो है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके पैसा को और वहां पे उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देता था, मतलब कि यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएटरी जो सिस्टम था होल्ड करने का वो झंझट ही नहीं था, अकाउंट से पैसा निकला अकाउंट में पैसा गया बात खत्म। और फोन पे वाले सिस्टम से जो आप काम कर रहे थे तो आपके पास फोन पे है, अगले के पास जो है गूगल पे हो, मतलब कोई भी हो, भीम हो या व्हाट्सएप पे वाला सिस्टम था वो हो या पेटीएम का ही जो है यूपीआई सिस्टम था वो हो, कुछ भी हो, कोई भी क्यूआर कोड हो, कोई से कोई को सेंड किया जा सकता है, मतलब फोन पे वाले यूजर जो है गूगल पे को ट्रांसफर करते थे, फोन पे वाले यूजर के जो है बैंक अकाउंट से डायरेक्ट गूगल पे वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था, बीच में कुछ भी नहीं था। यहां तक क्लियर, ये सिस्टम जब तक है तब तक फ्री है, लोचा कहां पे आया? और ये जो 1.1% की बात या 1% की बात जो चल रही है ये किसके लिए है? ये है दोस्तों पीपीआई या वॉलेट जो सिस्टम है उसके लिए। अब आप कहेंगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। पीपीआई का मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको ऐसा समझिए वॉलेट। अगर वॉलेट की बात करते हैं तो अगर पेटीएम का एग्जांपल लेंगे ना तो बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। पेटीएम जान रहे हैं, आपको याद होगा पहले पेटीएम में वॉलेट होता था, वॉलेट का मतलब क्या हो गया कि आप बैंक अकाउंट से पैसा निकाल करके एक तरह से वॉलेट है पेटीएम का, डिजिटल वॉलेट है, वहां पे आप पैसे को रखते थे। अब जब पेटीएम वॉलेट में पैसा होता था तो आप तभी ट्रांजेक्शन कर सकते थे या भेज सकते थे जब अगले के पास भी पेटीएम वॉलेट होता था। ऐसा नहीं है कि पेटीएम वॉलेट में पैसा है और आप फोन पे यूजर को पैसा भेज दीजिएगा, ये नहीं होता था। ये तभी होता था कि पेटीएम में जो यूपीआई सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था वो फोन पे से या मतलब फोन पे वाले हो, जीपे वाले हो या किसी पे भी यूपीआई सिस्टम पे हो पेटीएम से ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अब यह है कि मुद्दा और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये पेटीएम का जो वॉलेट था ना, पेटीएम में देख लीजिएगा वॉलेट भी है यूपीआई सिस्टम है, दोनों अलग अलग चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो वॉलेट जो होता था ये वॉलेट जब पैसा ट्रांसफर करते थे तो बैंक अकाउंट से कोई उसका कनेक्शन नहीं होता था, क्यों? क्योंकि रियल टाइम में बैंक से ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बैंक से ट्रांसफर होकर वॉलेट में एक तरह से स्टोर होता था, वॉलेट में पैसा जमा रहता, फिर उस वॉलेट को अलग अलग जगह पे खर्च किया जाता था। जब से भीम यूज हुआ था मतलब यूपीआई सिस्टम आया था तो इसके बाद जो यूजर होते थे वॉलेट का बहुत कम हो गए थे, आपको भी मालूम है, डायरेक्ट अकाउंट से डिडक्ट करवाते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि वॉलेट वाले को दूसरे के पास सेम वॉलेट रहता था तो पैसा ट्रांसफर होता था,
अदरवाइज नहीं, प्रॉब्लम आती थी। अब NPCI क्या कर रही है कि इस सिस्टम पे ट्रांजेक्शन फी दे रही है कि अब कोई वॉलेट वाला यूजर जो होगा ना, वो डायरेक्ट किसी भी UPI सिस्टम वाला, जैसे फोन पे हो गया, भीम हो गया, इसका गूगल पे हो गया, एटसेट्रा जितने भी होते हैं ना, वो सबको डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कोई भी यूजर वॉलेट से किसी भी QR कोड पे ट्रांसफर कर सकता था, उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस काम के लिए वहां पे जो है उससे चार्जेज लिया जाएगा, किससे, वो जो कंपनी है ना उससे चार्ज लिया जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया ना, तो इसलिए बिंदास रहिए। देखिए गवर्नमेंट जो है ना बहुत बारीकी से डिजिटल इकोनॉमी को जो बूम कर हो रहा है उस पर नजर रखे हुए है, वो जान रहा है, गवर्नमेंट को अच्छे से मालूम है कि अगर मैं UPI पे कैप लगाऊंगा, फी लगाऊंगा, आम कस्टमर से चार्जेज लेना शुरू करूंगा, कस्टमर कहेगा बाबा टाटा आप अपना सामान अपने पास रख लीजिए, और लोग जो है ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। आज जो चाय वाले, पान वाले, सब्जी वाले, सबके पास जो है QR कोड लगा है ना, वो सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे जो इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ स्लो हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी गलती नहीं करने वाली है। अब आपको क्लियर हो गया, तो मैं चाहता हूँ आम आदमी को क्लियर करिए, खुद से बताइए या वीडियो शेयर करके बताइए। मिलते हैं फ्रेशर अपडेट के साथ।